यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि श्यामराय टेम्पल, रासमंच, जोर बंगला, जोर मंदिर, और ये जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर में वीडियोग्राफी मना है। और अगर आप वीडियोग्राफी या कोई मूवी या फिल्म वगैरह बनाना चाहेंगे तो वहाँ से बाकायदा परमिशन लेना पड़ता है, जो टिकट के रूप में होता है वहाँ से टिकट लेना पड़ता है। और ऐसा आप ब्लॉग नहीं बना सकते हैं, बिना परमिशन के वहाँ पे ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो क्लिप शूट किया था, ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिला था इसीलिए। और तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो सब मतलब अपने से थोड़ा गूगल में सर्च करके भी देखें जाने, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। और मैं जिस टाइम गया हुआ था तो मैं अकेले था, और मेरे जाने के बाद पहुँचने के बाद मतलब एक दो कुछ कुछ टूरिस्ट आए देखने के लिए, लेकिन भाषा का बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, समझ रहे हैं वे लोग बांग्ला भाषा में बोल रहे थे, मैं हिंदी में, तो उतना ज़्यादा पूछने का भी मन नहीं किया, सुबह सुबह का समय था। तो खैर कोई बात नहीं। वैसे आप विष्णुपुर घूमने के बाद, विष्णुपुर के आमने सामने भी और बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि मुकुटमणिपुर, शुशुनिया पहाड़, शुशुनिया हिल जिसको बोलते हैं, ये सारे डेस्टिनेशन में भी आप घूम सकते हैं, अच्छा अच्छा जगह है। मैं भी मुकुटमणिपुर गया था उसी टाइम, मैं रिटर्न आते टाइम गया हुआ था, तो अच्छा है, उतना बोरिंग प्लेस तो नहीं है, लेकिन एक बार घूमने के लिए अच्छा है, पिकनिक वगैरह के लिए भी अच्छा है, तो आप जा सकते हैं। और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत आगे जानना जानने की इच्छा रहेगा, जानने का मन करेगा, तो गूगल में आप थोड़ा सर्च कर लेना। चलिए देखते हैं। देखो खुश रहो, खुद से आओ, खुद से देखो, दिखा नहीं सकते, मतलब कुछ बोल के नहीं दिखा सकते। अब जो नोटिस बोर्ड था वहीं से आप समझना। Thank you.
टेम्पल्स हैं सब सोलहवीं शताब्दी के ही बने हुए हैं, और यहाँ के जो राजा थे मल्ल राजा उनके द्वारा बनाया गया है। और सभी मंदिर दिखने में एक जैसे हैं लेकिन एक है नहीं। अगर आप गौर से देखेंगे तो सबकी अलग अलग कहानी है, सबकी बनावट अलग अलग है। मतलब ईंट जो है और लेटराइट पत्थर है वो बस से हैं। यहाँ पे भी देखिए अलग अलग कलाकृति बनाया हुआ है। हर मोनूमेंट में अलग अलग है। यहाँ पे भी फोटोग्राफी बना है। यहाँ पे कुछ गिलहरियाँ खेल रही हैं। सामने से अगर वीडियो शूट करूँ तो ये चले जाएंगे, इसलिए मैं सामने नहीं जा रहा हूँ, दूर से दिखा रहा हूँ आपको। और एक गिलहरी ऊपर चढ़ गई है, दो गिलहरी थी और एक, अच्छा हाँ वो उधर एक नीचे में भी है। सामने जाऊँ क्या? चलो कोशिश करता हूँ जाने का। अगर भाग गए तो कोई बात नहीं, अगर रहेंगे तो अच्छी बात है। देखिए ऊपर चढ़ गई एक, ए ए ए
चढ़ने लगी है अभी। ये पत्थर दरवाजा है जो कि पाथेर दरवाजा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। चलिए देखते हैं अंदर में क्या है। ज़्यादा कुछ तो बड़ा नहीं है शायद। यहाँ पे भी कुछ नोटिस बोर्ड है जो जानने के लिए है। देख लेते हैं। लार्ज गेट वे दिस फाइन आर्ट गेट पाथेर दरवाजे। अच्छा चलो, ये भी लेटराइट मिट्टी से बना है, लेटराइट पत्थर से बना है। यहाँ पे गाड़ी नहीं जा पाएगी। ओह बहुत बड़ा है। यहाँ पे आने पे लगता है कि ताजमहल का जो एंट्री पॉइंट है वैसे ही है लगता है। कबूतर है यहाँ पे तो। उधर आगे में भी एक दरवाजा है। सब जगह एक एक है, मतलब कलाकृति अलग है। सेम तो दिख रहा है, कोई बात नहीं, पर घूम लेते हैं। भूख भी लगने लगा है। 8 बज गए, 2 घंटे से मैं घूम रहा हूँ, भूख लगने लगा है। अब देखते हैं कहीं कुछ खाने का प्रबंध किया जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। पाथेर दरवाजा मतलब हिंदी में पत्थर का दरवाजा। दरवाजा तो है नहीं, बस पत्थर से जुड़ा हुआ आकृति है। ये मुझे लग रहा है कि आधा अधूरा रह गया है। इसको बनाया जाना था क्योंकि सब आधा आधा ही है। उधर की जो मूर्ति मंदिर है वो तो कंप्लीट है, लेकिन ये आधा लग रहा है। तुमसे अरे ये तो कलर आ रहे हैं। ये मिट्टी से ही, मतलब जो लेटराइट पत्थर है वो चिकनी मिट्टी है। कलर आ रहे हैं यहाँ के। अच्छा इसमें एक बार ट्राई करते हैं, इसमें नहीं आएंगे, इसमें भी आ रहे हैं कलर। क्या है नीचे से? अच्छा अंदर जाने का रास्ता लेकिन बंद है। इस तरह के हैं। सब डर गए, चुप हो गए। अब वहाँ पे जाऊँ कि नहीं, सब तो एक है। छोड़ो यार, बहुत घूम लिया यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक अजूबा दिखाऊंगा। ये मंदिर है, इसके सामने फले हुए बेल जो अलग अलग कलर के हैं। दरअसल ये कलर किए हुए हैं प्राकृतिक रंग को छोड़ के कृत्रिम रंग दे दिया गया है। चलो अब चलते हैं लाल बांध। क्या लिखा हुआ है? रामा राव पटनायक बाली बड़ा सावित्री मेरा का मेमोदी डैम। मेरा का मोदी डैम।
देख लेते हैं। ये दरअसल एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है जिसको लाल बांध के नाम से जाना जाता है। ये जो मल राजा थे यहाँ के, राजा के रानी के लिए बनाया गया था। पानी तो गंदा है, इसका रखरखाव सही से नहीं किया गया लगता है। ये है लाल बांध, जो उधर से भी गेट है, इधर इधर से भी रास्ता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ एक गेट है। आगे में भी कुछ स्पॉट बनाए गए हैं देखने के लिए शायद। ये अगर हिंदी बता पाते तो अच्छा था, कुछ पूछता मैं इनको। रुमाल एक एक का 20, अच्छा 5 रहने से एक फ्री। 80 का दो गमछा, विष्णुपुर का गमछा 80 का दो। खादी का तैयारी हुआ है, मतलब हाथ से बनाया हुआ है, खादी कपड़ा तो नहीं है। खादी माने मिले, अच्छा मिल का गमछा हमारे विष्णुपुर का है, स्पेशलिस्ट गमछा है का। 80 का दो, 80 का दो, अच्छा। और क्या-क्या है आपके पास, और क्या-क्या है? और गमछा नहीं, इसके अलावा और कुछ आइटम है? है। क्या क्या है? रुमाल भी है, विष्णुपुर का रुमाल। नहीं नहीं, मतलब कपड़ा में लड़का लड़का के लिए है, कुछ है और? अच्छा लड़का के लिए है, बड़ा वाला गमछा है। खाली गमछा है, शर्ट कपड़ा वगैरह नहीं है? खूबसूरत है, अच्छा है। अच्छा। और ये लास्ट वाला क्या है इसमें? ये चादर है, बाली चादर, विष्णुपुर का चादर, हम लोग बुला के देंगे। अच्छा, कितने का वो? ये 350 का रेट है। 350 मतलब बालू चोरी का, हाथर का, साथी वाली तो है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखता हूँ। कांटा है 80 का ही, दुकान भालो कांटा है 10 टका का, कांटा है खोपाई आता है। इस वक्त मैं अपने रूम में हूँ और लगभग 10 बजे हैं। यहाँ पे जितने भी डेस्टिनेशन थे जैसे जोर बंगला, पत्थर का दरवाज़ा और रासमन, जो सुबह से मैंने घूम लिया और नाश्ता भी कर लिया, हालांकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो सारा चीज़ घूमने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं अभी रूम में हूँ। विष्णुपुर टूर में डे टू का आज यहाँ पे अंतिम समय है, तो मैं अभी निकल जाऊँगा अपने घर और जाते जाते देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मुकुट मणिपुर जाने का प्लान है मेरा। अगर वैसे कुछ टाइम मिल पाता है तो मुकुट मणिपुर भी थोड़ा घूम लूँगा, यहाँ से 250 किलोमीटर है मेरा घर, तो रात हो जाएगी, तो इसलिए कहीं रुकना मुझे सही नहीं लग रहा है और ठंडा का भी सीज़न है, तो इसलिए मुझे जल्दी से जाना होगा। अभी 10 बजे हैं, देखते हैं कितना लेट होगा, क्या होगा। अब जाते जाते जो भी रास्ते में कुछ अच्छा चीज़ दिखाई देगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पर नाश्ता के लिए खासकर विष्णुपुर में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कम रेट में कब अच्छा अच्छा चीज़ खाने मिल रहा है। रोड साइड में जो ठेले खोमचे वाले होते हैं बहुत सही से, मतलब साफ़ सुथरा बना के दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा यहाँ का। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिससे आगे जो भी मैं ट्रेवल करूँगा उसको अलग से मैं अलग एपिसोड में डालूँगा। इसके बाद मुकुट मणिपुर जाना होगा तो वो भी अलग से बनाऊँगा। धन्यवाद।